गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में आपको अपना एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ, जो मैं आई थिंक 3 या 4 मंथ से ऊपर ट्राई कर रही हूँ अपनी स्किन केयर में, एंड माई स्किन केयर हैज चेंज्ड फॉर गुड। लाइक चेंजेस जो मुझे आए, पहले मुझे ब्रेकआउट्स होते रहते थे, ब्रेकआउट्स इन द सेंस लाइक पिम्पल्स, जो व्हाइट वाले पिम्पल्स होते वो होते रहते थे, कुछ ये हो गया वो हो गया, मतलब इट वॉज लाइक एवरी 3 to 4 days it was a new pimple. But now I am not suffering from not even a single pimple. 4 to 5 months से मैं try कर रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा simple है। I'm not doing anything excessive. मैंने सिर्फ एक चीज use करना बंद करी है और एक चीज add करी है, that is also very natural. So yeah, that is what I really excited to tell. पहले मैं आपको पहले बताना चाह रही थी, बट मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ कुछ मंथ्स के लिए, बिकॉज लाइक कुछ चीजें होते हैं ना कि आपको मे बी ब्रेकआउट नहीं हो रहे हो, बट नाउ इट्स लाइक 4 to 5 मंथ्स, सो आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। चीज स्टार्ट हुई थी जब मैंने क्लेंजर मेरा खत्म हो गया था, मुझे वो स्पेसिफिक क्लेंजर ही ऑनलाइन मंगवाना था, एंड आई कुडंट ऑर्डर इट, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग समथिंग एल्स, जो कि मुझे लगा कि I eventually have to get a cleanser, but I started using it for a week and I was like, okay, it's working nice, and I was surprised that how wonderfully it was working. तो मैं बात कर रही हूँ डबलोज इस क्लेंजर, मैंने क्लेंजर छोड़ दिया एंड उसके बजाय मैं यूज करने लगी रॉ मिल्क। सिंपली जैसे उसको मे बी कॉटन में लेकर आप डैब 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 कर सकते हो, पहले उसको वाइप करना एंड देन यू कैन डैब इट ऑन। मैंने 15-20 डेज तो ऐसे करा नॉर्मल, बट देन जब आप चीज डेली में यूज करने लगते हो, आई फेल्ट लाइक आई डोंट वॉन्ट टू लाइक डू ऑल ऑफ दैट, तो मैं सिंपली उसको हाथ में करके ऐसे मसाज करने लगी। यू कैन लीव इट दिस फॉर लाइक अ मिनट टिल इट ड्राइज, and I swear your skin would just feel so good, so smooth. Now I don't know ये ऐसा क्यों होता है, मिल्क लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाता है पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्किन में कुछ है, कुछ भी नहीं लगता है, एंड उसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हो लाइक एज अ मॉइस्चराइजर, इट्स गोना वर्क लाइक अ मैजिक। बट मैं उसको थोड़ा सा मसाज करके लाइक जैसे मैं क्लेंजर यूज करती हूँ, आई वॉश इट ऑफ एंड देन फॉलोड अप विद एलोवेरा जेल। This is something I'm using for 4 to 5 months and I swear my skin has never break out. Touch wood. I really, 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 because एक तो यार मेरा cleanser का खर्चा कम हो गया और दूसरी बात मैं actual में skin मेरी बहुत सही हो गई है, it doesn't felt like anything. और जब मैं makeup वगैरह करती हूँ ना, तब मैं क्या करती हूँ, makeup wipe से remove कर लिया मेरे, अभी मैं बाहर से आई हूँ, I think I can show this up. तो मैं मेकअप से मूव करूंगी, उसके बाद मैं मिल्क से साफ करूंगी। नाउ ऑफकोर्स एज आई हैव अ सनस्क्रीन, आई डोंट वॉन्ट टू रिलाई ओनली ऑन द क्लेंजर, एंड देन आई यूज थोड़ा सा बेसन पानी में करके उससे वॉश ऑफ करके, एंड दैट इज हाउ आई डू। अगर मेकअप लगा रखा है तो मिल्क के बाद बेसन, जिससे कि हो जाए, एंड अगर डेली वे में मैं जब मैं जाती हूँ तब ऑलरेडी अंधेरा हो चुका होता है, तो मैं सनस्क्रीन डेली यूज नहीं करती हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क करती हूँ। आई होप आई एम क्लियर। सो या, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम सो हैप्पी विद माय स्किन, आई रियली वांट टू शेयर। कुछ भी खर्चा नहीं होता, लाइक दूध तो आता ही है। नाउ कमिंग टू मैं कौन सा दूध यूज करती हूँ, इट्स लाइक अमूल का डबल टोन्ड, दिस इज व्हाट आई यूज। यू कैन यूज आई थिंक एनीथिंग इफ यू वॉन्ट, बट प्लीज गिव दिस अ ट्राई, आई स्वेयर दिस वर्क्स लाइक अ मैजिक ऑयली स्किन के लिए भी, एंड ड्राई स्किन तो डेफिनेटली इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग। एंड यार मार्केट में देयर मिल्क क्लेंजर्स आर सो, इट्स लाइक सो क्रेज, तो आई होप यू यू लाइक इट एंड आई होप यू विल ट्राई दिस आउट। इफ यू डिड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड हाउ दैट वर्क्स फॉर यू, एंड आई सी यू गाइस वेरी सून, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस, एंड आई सी यू गाइस सून, बाय।